के बरेली से जहां एक हिंदू परिवार के घर में घुसकर परिवार की महिलाओं एवं पुरुषों पर शराब के नशे में धुंध तमंचे के साथ हमला किया। इसकी शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की। पीड़िता ने बताया कि 29 मई को रात्रि 11 बजे तुलसी रोहिल्ला के घर में गड़ी चौकी क्षेत्र के रहने वाले दूसरे संप्रदाय के 5 लोग तमंचे के बल पर घर में घुस गए एवं परिवार की महिलाओं एवं पुरुषों के साथ मारपीट करने लगे तथा एक नाबालिग लड़की के तो हृदय पर लात से प्रहार किया और कहा कि अगर पुलिस में खबर करी तो जान से मार देंगे। पीड़ित पक्ष तुरंत शिकायत के लिए गड़ी चौकी गए तो वहाँ भी आरोपियों ने उन पर पुलिस के सामने प्रहार किया। तब अगले दिन पुलिस ने मामले की जांच करते हुए निम्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया एवं दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी 3 आरोपी अभी भी खुले आम घूम रहे हैं। आज हिंदू जागरण मंच महानगर अध्यक्ष दुर्गेश कुमार गुप्ता के साथ परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मामलों को अपने संज्ञान में लेकर संबंधित धाराएं बढ़ाकर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। तब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामलों को सीओ किला को देकर शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी का जिम्मा दिया। तुलसी रोहिल्ला। आप कौन? मंदनी रोहिल्ला मेरी सिस्टर है, ये छोटी। ये छत पे गई थी तो हमारे ताऊ जी का गला घोटा जा रहा था। जब ये गई इसने देखा तो इसने जाके उन्हें धक्का दिया तो इसके पास भी इसको मारा तोड़ी गई, इसके लात मारी गई, इसके कपड़े भी फाड़े थे। और जब सब लोग गए तो सबके साथ मारा पीटी की गई। उसके बाद भाग गए और कहा कि अगर कोई भी कार्रवाई की तो पुलिस से उल्टा तुम लोगों को फंसाया जाएगा। और रात में जब गड़ी चौकी में जाकर शिकायत की गई तो वहाँ भी पुलिस वालों ने मारा पीटी करवाई। पुलिस वालों के सामने उन लोगों ने मारा था मुझे और मेरी बहन को। पुलिस चौकी में भी मारा गया था जी। हमारे पड़ोस के हैं यावर अलीम बावर हैदर और एक उनके बदायूं का कोई लड़का था तो वो था अदनान नाम है उनका। और हमारी जी हमारी तरफ से तो कोई ना लड़ाई झगड़ा था ना कुछ। ये लोग शराब पिए हुए थे, रात में छत पे आए थे और ये तो हमें नहीं पता इनकी क्या होती। हमारी तरफ से तो कोई दुश्मनी इनकी थी ही नहीं। हमारे भाई हमारे ताऊ जी को मारा गया था इसलिए हम लोग गए थे बचाव में। हम लोग छत पे ही थे। आप सबसे बड़ा कुकृत्य देखिए। और फिर पुलिस वालों के दुर्गेश कुमार गुप्ता महानगर अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच बरेली। प्रकरण ये है, गली चौकी में परसों रात को ये हमारा रोहिल्ला परिवार है, हमारे संगठन के कार्यकर्ता लोग हैं। इनके घर में दूसरे संप्रदाय के 5 लोग नशे में घुसकर तमंचे के बल पर महिलाओं के साथ में पुलिस के साथ में अभद्रता करने की कोशिश करी गई है, मारपीट करी गई है, जानलेवा हमला करा गया है। और पुलिस से का आग्रह यही था कि वो उच्च धारा में मुकदमा दर्ज करे, लेकिन पुलिस ने बहुत निम्न धारा में मुकदमा दर्ज करा और आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। आज हम लोग कप्तान साहब से सब मिलकर आए हैं। कप्तान साहब ने कहा कि मैं इसको अपने संज्ञान में लेकर इसकी विवेचना सीओ सेकंड को दी है उन्होंने और आरोपी की गिरफ्तारी का उन्होंने कहा कि शीघ्र शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी होगी। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।